मैं हम सूर्य खुद आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ 2.0 के बारे में। 2.0 का टीजर आखिरकार आ गया। कुछ सवाल मेरे मन में पहले भी थे और टीजर आने के बाद कुछ सवाल और हो चुके हैं, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से इस फिल्म की स्टोरी क्या होगी आज मैं उस पर बात करने वाला हूँ। बिना बकवास के ये सीधा टॉपिक पे बात करता हूँ। 1.5 मिनट का टीजर है, कुछ चीजें हमने पहले देखी। स्टार्टिंग से बात करता हूं, 1.5 साल पहले से जब से पोस्टर्स आ रहा है। दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर ह्यूमंस, नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, यानी कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ठीक है। और हमने पोस्टर्स देखा और रजनीकांत सर का, हमने पोस्टर देखा अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार का पोस्टर में हमने देखा उनका जो लुक है बहुत एविल है, उनका किरदार बहुत एविल है। उनके जो पंजे वाला एक पोस्टर वो देखा जहां पे नाखून के शार्पनेस रहते हैं, और बाद में पता चलता है यही एक रोल निभा रहे कुछ नेगेटिव शेड का। लेकिन क्या अक्षय कुमार इस फिल्म में विलन है, ये भी एक बड़ा सवाल है, राइट। तो मैं चलिए उसको थोड़ा सा आसान करता हूं आपके लिए। एक बहुत बड़ा हिंट अक्षय कुमार ने अपने जन्मदिन के दिन दिया था। उन्होंने लिखा था पोस्टर के साथ, अपना पोस्टर वापस से एक रिवील किया था फुल साइज, उसमें लिखा था अक्षय कुमार ने कि आई एम द बैड हीरो, आई मीन कुछ तरह से लिखा था कि मैं उनके लिए हीरो हूं जो बेजुबान है, जो बोल नहीं पाते। आई एम द हीरो फॉर दोस हु कुडंट स्पीक, आई एम द डार्क हीरो, हाँ आई एम द डार्क हीरो फॉर दोस हु कुडंट स्पीक, यानी कि मैं उनके लिए एक ऐसा अंधेरे वाला एक हीरो हूं जो बोल नहीं सकते, जो बेजुबान है, और मैं उनके लिए फाइट करूंगा। ये तो लिखा नहीं, बट स्टिल ऐसा वो फील आता है मैं उनकी आवाज हूं, ये जरूर कहा है, ठीक है। अब बेजुबान यहां पे क्या है या कौन है? अब अगर टीजर ध्यान से देखोगे, जब मोबाइल्स गायब होने लगते हैं ना, सबके हाथ से छूट छूट के जाता है, तो एक सीन आता है जहां पे एक इलेक्ट्रिक का टावर रहता है, उसके बीच में कोई इंसान खड़ा हुआ नजर आता है, उसका चश्मा गिरते हुए नजर आता है। वो इंसान कोई और नहीं, अक्षय कुमार ही लगते हैं मुझे तो 110%। आसपास आप देखोगे तो कई सारे परिंदे मरे हुए रहते हैं, ध्यान से दिया होगा तो कई सारे परिंदे मरे हुए रहते हैं। तो ये इस तरह से लग रहा है, जो जैसे कि मोबाइल्स के रेडिएशन से पंछियों को बहुत नुकसान होता है, जानवरों को बहुत नुकसान होता है, तो वो जो एक सर्कल है कि भैया ये आपकी ही दुनिया नहीं है कि आप जो चाहे बर्बाद करते गए, जंगल हो, पेड़ हो, हर चीजें हो, जानवर है, हर चीज बर्बाद करते गए, पेड़ पौधे, पशु वगैरह, है ना। तो यार यहाँ पर उनकी ताकत बनकर उभरते हैं अक्षय कुमार, क्योंकि आप अगर देखोगे यहाँ पे साफ लग रहा है कि आप पंछी मर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अक्षय कुमार या फिर उनका जो एविल साइड है, ईगल जो बन जाता है, उसके बाद किस तरह से बिल्डिंगों में ऐसा उड़ के आता है ना, बिल्डिंग के लोगों को उड़ा देता है, गिरा देता है कि भैया तुमने हमको मारा, हमारे जान पंछी वगैरह मरे, अब आप इंसान भी उसी तरह से मरेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे चिट्ठी आता है, यानी कि जब जो एक मीटिंग होती है जहां पर रजनीकांत खुद ही कहते हैं कि हमें इसके लिए, इस तरह की एविल फोर्स से लड़ने के लिए एक सुपर हीरो की जरूरत है, क्योंकि ये साइंटिफिकली ये जो बंदा है ये बीट करने इसको इम्पॉसिबल है। तो वहां पर बोलते चिट्टी का नाम आता है, तो चिट्टी आता है दुनिया को बचाने और उसे किसी तरह से ट्रैप करता है उस ईगल को, यानी कि अक्षय कुमार का जो पावरफुल एक फोर्स रहता है। और उसके बाद किस तरह से क्या फाइटिंग होती है हमने देखा है। लास्ट सीन जो टीजर में है, बंदूक अचानक निकल जाती है चारों साइड से, अक्षय कुमार की जो अक्षय कुमार जो फायरिंग होने लगती है, वो भी रोबोट्स को, मैग्नेटिक रोबोट्स को जिस तरह से रहते हैं ट्रांसफॉर्म वाले रोबोट्स, तो कमाल के ग्राफिक्स हैं। फिल्म से अगर आपको टीजर ही अच्छा नहीं लगा तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भैया बहुत बढ़िया टीजर है। आप इस तरह की फिल्म, इस तरह का टीजर से आप ये अंदाजा ना लगाइए कि टीजर अच्छा है नहीं अच्छा है, फिल्म क्या होगी क्या नहीं होगी। बस इतना याद रखिए, इस लेवल की फिल्म बनाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और जो इस लेवल की फिल्म बनाने का सोच सकता है उसकी फिल्म को सपोर्ट करना तो आई थिंक ऑडियंस का ऑडियंस को चाहिए ही कि इस तरह की फिल्म सपोर्ट करे और साथ में जुड़े रहे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फिल्म है, ये इंडिया का नाम रोशन करेगी वर्ल्ड लेवल पर, ये मैं अभी से आपको कह दे रहा हूं। तो ये कुछ बेसिक स्टोरी है, प्लॉट ये है कि ह्यूमन वर्सेस एनिमल्स या इस तरह का, ठीक है। ये ही क्योंकि आप मेरी जो स्टोरी मैंने अभी बताई इसे कहीं ना कहीं एग्री करोगे, ठीक है, कि हम एक कहीं ना कहीं पृथ्वी खुद ही तबाह कर रहे हैं, जंगल काटे, पेड़ पौधे काटे, हमारे एनवायरमेंट बहुत बुरा हो गया ऑलरेडी, हम बहुत एडिक्टिव हो गए मोबाइल में, रेडिएशन ज्यादा फैल रहे हैं, आसपास के पेड़ पौधे पंछी सब एकदम गायब विलुप्त होते जा रहे हैं, राइट। ये एक बहुत बढ़िया मैसेज के साथ ये फिल्म बन रही है, और अक्षय कुमार आमिर खान ने बहुत ही पहले कहा है कि ये फिल्म आएगी जब सब रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो मेरा भी ऐसा मानना है
कि ये जरूर होने वाला है। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी आपको एक्साइटमेंट देनी है कि इसका टीजर 2 आने की भी संभावना है। आप बोलोगे क्यों, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अक्षय कुमार का सिर्फ एक ही लुक था, वो कुछ है ना उड़ा दे गाड़ी, वो एक ही सीन था, एक एविल तरह का लुक, एक स्टेडियम के साइड में खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड टीजर में जो डार्क साइड है यानी अक्षय कुमार वाला जो रोल है उसे थोड़ा सा और ग्लोरीफाई करेंगे, उसे और थोड़ा डरावना तरह से दिखाएंगे, क्योंकि ये जो टीजर है ये हमने कहीं ना कहीं इस तरह का देखा है ऑलरेडी। और अगर आप सोचोगे वो टीजर में और ये टीजर में क्या फर्क है, यानी जो लीक टीजर था और आज के टीजर में क्या फर्क है, तो एक फर्क है, उस वो टीजर जब आपने देखा था उसमें एआर रहमान का म्यूजिक था और ऑफकोर्स इसमें भी है, उसमें बहुत स्लो पेस वाला म्यूजिक था, स्लोली है ना जो भी हो रहा है एकदम स्लो पेस में म्यूजिक था। लेकिन यहाँ पे टीजर में आप देखोगे तो यहाँ पे म्यूजिक बहुत जोरदार है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत जोरदार है, यानी कि वहां पे जहाँ पे स्लो मोशन थोड़ा सा था बैकग्राउंड में, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है रैपिंग वाला, है ना रैपिंग वाला जो म्यूजिक होता उस तरह का मोशन होगा। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपको अभी भी नहीं समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास किसी बस लीक वीडियो कहीं सेव हुआ होगा उसे देखना और आज का टीजर देखना, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार बस यही कहूंगा, दिल थामे रखिए, मेकर्स को भी पता है कि ऑडियंस कितने एक्साइटेड और कितना एक्सपेक्टेशन है, और मेरे हिसाब से एस शंकर से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म कमाल की बनाए। तो आई होप आपको ये वीडियो में काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी फिल्म को लेकर, और आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है आपको लगता है कुछ बताने लायक तो जरूर शेयर करिए मेरे साथ वीडियो पर, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल इतना ही, कुकू नहीं आता मुझे बोलने।